हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर 1175 ईस्वी को मुल्तान से 10 किलोमीटर दूर गांव कोठेवाल में पैदा हुए। आपका खानदानी नाम फरीदुद्दीन मसऊद था। आपने इब्तदाई तालीम मुल्तान की एक दीनी दरसगाह से हासिल की। आपको आपके उस्ताद मोहतरम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की सोबत नसीब हुई और सूफी इज्म के बारे में उनसे बहुत कुछ सीखा। आपकी वालदा माजदा कुरसुम बीबी जो कि चिश्तिया सिलसिले के बुजुर्ग शेख वजीउद्दीन की साहबजादी थी, इंतहाई नेक और परहेजगार खातून थी। कहा जाता है कि फरीदुद्दीन मसऊद से फरीदुद्दीन गंज शकर का सफर तय करने में आपकी वालदा माजदा का बुनियादी किरदार था। आपकी वालदा माजदा ने आपकी तरबियत में कोई कमी रवा न रखी। कुरसुम बीबी ने फरीदुद्दीन से कहा कि जो छोटे बच्चे नमाज पढ़ते हैं अल्लाह ताला उन्हें शकर देते हैं और बड़े होने के बाद उन्हें ढेर सारे इनाम और इकराम से नवाजते हैं। कुरसुम बीबी बाबा फरीद को नमाज पढ़ने के लिए जाए नमाज बिछा कर देती तो उसके नीचे शकर की पुड़िया रख देती। बाबा फरीद जब नमाज मुकम्मल कर लेते तो अल्लाह का इनाम पाने की नीयत से जाए नमाज उठाते और नीचे से शकर की पुड़ी उठाकर खा लेते, जो उनकी वालदा मायदा ने पहले से रखी होती थी। ये सिलसिला कई रोज तक चलता रहा। एक दिन आपकी वालदा मायदा जाए नमाज के नीचे शकर की पुड़ी रखना भूल गए। बाबा फरीद ने नमाज मुकम्मल की और हस्बे मामूल शकर की गर्ज से जाए नमाज उठाकर शकर की पुड़ी उठाई और खा ली। अचानक कुरसुम बीबी को याद आया कि वो तो जाए नमाज के नीचे शकर रखना भूल गई थी, तो आपने अपने बेटे से पूछा कि बेटा फरीद, अल्लाह की जानिब से आज आपको शकर इनाम में मिली है? तो आपने हाँ में जवाब दिया। यूं आपका नाम फरीदुद्दीन मसऊद से फरीदुद्दीन गंज शकर के नाम से मशहूर हो गया। बाबा फरीदुद्दीन ने हुसूले इल्म की प्यास बुझाने के लिए बगदाद और सस्तान के तवील सफर किए। आपने दिल्ली और कंधार का भी सफर किया। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने 16 साल की उम्र में वालिदैन के हमरा हज बैतुल्लाह की सआदत हासिल की। उसके बाद बाबा फरीद ने दिल्ली में सुकूनत इख्तियार कर ली और आपके उस्ताद मोहतरम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हंस हरियाणा तशरीफ ले गए, जिनका इंतकाल 1235 ईस्वी में हुआ। बाबा फरीद दिल्ली से हंस हरियाणा तशरीफ लाए और वहां से अयोध्या में सुकूनत इख्तियार कर ली। जब आप दिल्ली से अयोध्या तशरीफ ला रहे थे तो रास्ते में फरीदकोट के मकाम पर आपकी मुलाकात 20 साल नौजवान निजामुद्दीन औलिया से हुई। सफर में ही आपकी मुलाकात अलाउद्दीन साबिर कलियारी से हुई, जो कि सिलसिला साबरिया के सूफी बुजुर्ग हैं। बाबा फरीद के 8 बच्चे थे, दिन में 5 बेटे और 3 बेटियां शामिल थी। आपकी बीवियों में से एक का नाम हजा बारा था, जो कि सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद की बेटी थी। मशहूर सयाह इबन बतूता ने आपके आस्थाने का एक बार दौरा किया। इबन बतूता का कहना है कि बाबा फरीदुद्दीन सुल्तान ऑफ दिल्ली के रूहानी मुर्शिद थे। बाबा फरीद ने रियासत बोदान का उस वक्त दौरा किया जब बोदान का हाकिम अल्तमश था। उस वक्त आपकी मुलाकात हजरत सुल्तानुल आरिफीन ख्वाजा सैयद हसन शेख शाही से हुई। अयोध्या शहर दरियाए सतलुज के किनारे आबाद था और हर साल दरिया लोगों के घरों को नुकसान पहुंचाता। बाबा फरीद अयोध्या के करीब एक टीले पर कयाम पजीर थे। ये टीला अयोध्या के पतन के करीब था। पतन कश्तियों के जरिए दरिया अबूर करने के मकाम को कहते हैं, जहां कश्तियां मुसाफिरों को उतारती और ले जाती थीं। अयोध्या के लोग बाबा फरीद के पास आए और कहा कि आप अल्लाह के बुजुर्ग हैं, आप दुआ करें, ये दरिया हर साल उनके घरों को मस्मार कर देता है। तो बाबा फरीद ने दरिया की तरफ रुख किया और कहा कि तेरा क्या जाएगा, थोड़ा दूर होके पहले क्यों इन गरीबों को परेशान करता है। उसके बाद लोग अपने घरों को चले गए। जब सुबह हुई तो दरियाए सतलुज शहर से दूर बह रहा था और दरिया ने अपना रुख तब्दील कर लिया था, जिसके बाद से अयोध्या का नाम पाक पतन पड़ गया। बाबा फरीद करी के दरख्तों के करीब रहते थे और इसी रास्ते से ताजर गुजरते थे और दरियाए सतलुज उबूर करके मुख्तलिफ शहरों को तिजारत के लिए जाते थे। एक बार एक ताजर ऊंटों के बड़े काफिले के साथ वहां से गुजरा तो बाबा फरीद ने ताजर से पूछा कि इन बोरियों में क्या है। ताजर ने सोचा सच बताया तो फकीर है, मांग लेगा। उसने कहा कि इन बोरियों में नमक है। तो बाबा फरीद ने कहा कि नमक है तो नमक ही होगा। काफिला चलता गया। जब वो ताजर अपना माल लेकर मंडी पहुंचा, बोरियां ऊंटों से उतारी और इन बोरियों को खोला गया तो इनमें गुड़ के बजाय नमक था। वो ताजर फौरी भागा भागा बाबा फरीद के पास आया और आपके कदमों में गिर गया और कहा कि मैंने झूठ बोला था, इन बोरियों में नमक नहीं गुड़ था।
आप मुझे माफ कर दें। बाबा फरीद ने कहा कि अच्छा गुड़ था तो गुड़ ही होगा, जाओ। वो ताजर वापस मंडी गया तो नमक की बोरियां अब गुड़ की बोरियां बन चुकी थी। बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर ने हमेशा अल्लाह के बंदों से मोहब्बत का दर्स दिया और अल्लाह की वहदानियत और इबादत इलाही की नसीहत की। बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर ने अपनी शायरी के जरिए लोगों को तबलीग की। आपकी शायरी कई जबानों में मौजूद है। आपकी दिलचस्पी के लिए उनके चंद मशहूर अशआर हाजिर खिदमत है। ना रब अर्श मुअल्ले उगते, ना रब खाने काबे हूँ, ना रब इल्म किताबे लभा, ना रब विच मेरा बेहू, गंगा तेर थी मूल न मिलया, पेंडे बे हिसा बेहू, जदादा मुर्शिद फड़या बाहू, छुट्टे सब अजा बेहू। बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर एक और मकाम पर फरमाते हैं, मैं काला काला मेरा भेस, मैं फिरा गुनाही भरया, लोका खिन दरवेश, उठ फरीदा सुतया, ते झाड़ू दे विच मसीद, तू सुता तेरा रब जागदा, तेरी डाढ़िया नाल फरीद। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स लाजमी दें।